ले भाई ये पांच चार भाई और बैठे लास्ट में। हाँ भाई कौन सा काम? उचाना से है भाई। उचाना तेरा भाई उचाना पूरा उचाना सारे भाई। चलो बताओ रही भाई जो मतलब 2019 तक सरकार से एक बात कहना चाहवा हां, ये सरकार ऐसी बनी है जब तक नई सरकार बनी है 2019 के बाद एक भी भर्ती नहीं हुई है। 2019 में कलर की भर्ती पूरी हुई थी, उसके बाद एक पुलिस की निकाली है, लेकिन जो जनरल बालक है जो पुलिस की वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, किसी का हिट कम है किसी की एज ज्यादा, उसके लिए तो आज तक भर्ती नहीं आई 2019 के बाद। अच्छा 2023 आने वाली पुलिस वाले नहीं आ रहा कुछ नहीं, पुलिस वाली तो नहीं आ रही, एक भर्ती भी नहीं आ रही। ये पुलिस वाली में क्यों इतनी भीड़ लग रही है? एक भर्ती नहीं बालक ओड़ा जावर को कितने बढ़िया बालक हैं पुलिस में लगना पड़ रहा है, मजबूरी है पुलिस में लगना, कोई अच्छी पोस्ट पर जावर किसी और पर पर वो क्या लकड़े आए ना तो सारे आड़े हैं। सारे आड़े आ गए। ये वीडियो भी तो बनाई थी यूपीएससी वाले और एमबीए एमबीए करके सरकार नहीं बनी है दोनों दो की जैसे पीरी से बनी है दूसरे चुटाला है पाछे एक भर्ती भी नहीं आई भाई साहब। एक भर्ती 19 के बाद एक भर्ती एक बार निकाली थी ना ग्राम सचिव की, वो एक कैंसिल कर दिया पेपर दोबारा, तो वो दोबारा पेपर नहीं हुआ 2 साल उसने हो लिया पेपर हो जाना, तो वह बालक कड़े जावे जो जनरल बच्चे हैं। चल हम तो थोड़ा बहुत हमने कुछ हाँ, तो दो पढ़े हैं तैयारी करे वक्त हाँ। भरे के क्या का फार्म भरे तो बेचारे वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सके रे, बाकी सारे तो रह रहे हैं, बाकी जो ग्रेजुएशन वाला अभी इनमें कोई चक्कर ना पुलिस में हाइट नहीं है उनकी, वो तो उनकी भर्ती नहीं आई। और जिनके ग्रेजुएशन भी हो ये जिन नहीं में फार्म भरा था उनका भी कड़ा पाला गया, जो जनरल बच्चे हैं ना जिसकी नॉर्मल ग्रेजुएशन नॉर्मल की बात कर रहे हो उसके लिए तो कोई भर्ती नहीं आ रही यार, कुछ सोचे नहीं रही इसके बारे में। एक पाँच सत्तर 2024 में 20,000-30,000 रुपये डी ग्रुप का झुंझुना बैंड देगी और वोट ले जाए जो आवेगी लास्ट में। हाँ 20-25,000-30,000 भी दे देंगे ग्रुप डी की भी है, फिर बाद में वो खाली होनी है यार। बल्क देखो जनता ने सोचनी चाहिए, 5,000 का ना ले दे हर साल, इसलिए 55 साल आगे नहीं है तो इन बातों ने याद रखा है यार सारी। हाँ, याद को रख दे भाई साहब वो फिर अपनी गलती, इनकी गलती थोड़ी है, इनकी जगह आपा होंदे तो आपा भी न्यू करें, अपनी गलती है अपनी गलती है क्योंकि याद रखो भाई क्या होया है, सारी चीज बोलो नहीं याद रखो जो चीज हुई है। या एक बार यही इसकी ज्वाइनिंग पर अटका दिया सब दिन भूखा रख, रात ने इतने टिकट गिर दिया कि खाई भी ना जाऊ, चीज का कोई मतलब थोड़ी बना है। तो ये सारे को कौशल में डाला है, टीचर की भर्ती है भाई साहब 5,000 बिल टीजीटी की वैकेंसी निकालेंगे, साइंस की मैथ की फलाना की गाना जो भी है जितनी भी आएंगे आज स्टार्ट करे बैठे हैं, तो कौशल में डाल दी यार सारी, ये पक्की भर्ती करने ही चाहते नहीं, इवन कौशल में दे दी ये बाट देखियो जमा भी नहीं आने वो भर्ती, सरकारी भर्ती हुआ उसकी टीजीटी की भर्ती नहीं आओगी जो टीचर पढ़ाएगी है इन्हें, क्योंकि कौशल में लगा दिया यार उन्हें, वो इतने कड़ा से लेकर आओगे कितने बच्चे को मतलब ज्यादा परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा लोग, बात यही मुद्दा होना चाहिए। हम परेशान नहीं है भाई साहब, हम परेशान नहीं है कि पुलिस वाले परेशान है, सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं उसके बाद भर्ती कोई भर्ती नहीं है, और उनने देखा था उनका दुख थारे तो भी ज्यादा है, तम तक कितने कितने बनेगी थोड़ा वो तो कुछ तो मिला है तो थोड़ा वो सलो है, कोई नॉर्मल बालक जनरल बालक जो बात कर रहा है हमारे तो 2 महीने बाद 6 महीने बाद कभी तो देंगे, ये नहीं कैंसिल करेंगे, देंगे ज्वाइनिंग हमें पता है लेकिन इलेक्शन के पास लेके जाएंगे ये इतना पता है। देखो कुछ तो मिला है बालक नहीं होगा इनके मन सा इलेक्शन के टाइम पर टाइम तक करते थे वोट भी मिल रहा है, वो चीज भी तुमने कति महसूस होनी बंद होगी जो उस टाइम पे कर रहे ना प्री ज्वाइनिंग के गदाके दे ठावे तो सारी वोट गदाके दे जावे क्यों लिए बाल कीप थोड़ी सुनेंगे यार ईसा काम ये तो भाई साहब खत्म कर दी हां ईसा काम हो रहा है सरकार में, तो अगर इलेक्शन है तो कुछ है, हम तो सोचा है तो को इलेक्शन को एमएलए भी इस्तीफा कुंदे ना कि उसका बाय इलेक्शन हो जाए इसे माड़े विचार भी आ जाए को के बताऊं तो नहीं ठीक होने वीडियो बताना कि को एमएलए का लकी में को जर हो दोबारा इलेक्शन हो जाए, हम तो इतना लोग भी सोचना मजबूर हो गए कि मतलब काम का मतलब था वो इलेक्शन होंगे तो को काम हो सका हमारा ना, तो इतना होने का भाई खतरनाक है भाई, ये सोचते हैं खतरनाक माहौल बन गया, एक राम मजबूर हो गए मजबूरी हो रही है भाई। चलो 2019 की भर्ती यार देख ले आड़ा उनका देखा है उनका कहानी तो दुखावा यार थोड़ा, ये दिन में 7 टाइम टूखा है अरे इन 7 दिन तक एक टूक नहीं तोड़ा है, बहुत बड़ी बात हो जाए यार, जानता नहीं भाई हां वो नबीरा है या चीज आप नहीं समझ सकते, कहना आसान है भाई करना बहुत मुश्किल है किसी चीज ने, हमने तो दूषण चौटाला तय बिल्कुल आस करना छोड़ दिया है, तो इतना मतलब इतना से खुद युवा का वो है, हमें युवा के युवा यूथ फेस है ये है वो है, एक उस करके लोगों ने थोड़ा चुना था इतने हजार वोट जिता रखा है वो लोग बहुत बड़े अंतर जिता रखा है, लेकिन उसने तो जमा माटी पलित कर दी यार, जब तो मतलब हम कह नहीं सकते यार कोई सुनवाई नहीं बनेगी बात बनेगी, अभी उसके तो रजावान हुआ क्यों मेरा मतलब इसे से वो चार आ जाए बस शब्द बोल रहा है भाई के जावा उसका के जावा उसके पास बोले इस तरह मेरा लाठी तोड़ मतलब बस के कहवा यार चलो बनेगी बात।
लियो भाई ये भाई और अपने बीच है इन तौर बात कराएं भाई की सही टीम लग गया इन गेला माड़ी बन रही मेरा पे इंस्टाग्राम पे मैं सदाए जा है मरण का काम हो रहा भाई काम धंधे छुट गए ना कि ते प्राइवेट कर सकते तो मलंगा का माहौल और ज्यादा खराब हो रहा। हाँ भाई कौन सा गाँव है? हरसाना सोनीपत सोनीपत वाली कंप्यूटर की सा हो रहा हाल थारा बार मत जाओ है चोट लाग जाएगी मतलब इतना भी माहौल खराब हो रहा है। छह महीने पहले रिजल्ट आया था जब फिर तो भाई आर्थिक हालात खराब है करके भी कल लागे थे उम्मीद रही नहीं भाई सरकार तार जोड़ गया विनती है भाई जितने 66 सुपरिवार है सरकार ने भर्ती तो बढ़िया करी है भाई बिना पर्ची बिना हाँ, हाँ, मैं भी गया हूँ भाई एक एक बालक गरीब बालक देखे मन दाऊ कितने कमजोर बताऊँ इसका प्रूफ है भाई गरीब भी लागे और हर एक गाँव में पंचर बालक लाग गए न्यू कोई ना कोई एक एरिया तो लागे भाई हमने तो बेरा मर भाई जो देखे उस हिसाब से भाई सरकार ने इतना बढ़िया काम करा आगे ज्वाइनिंग भी दे दीजिए भाई जल्दी ओके निपटा इस बढ़िया ना बढ़िया ही रखो इस बढ़िया ना भूंड मत गिरवाओ या भूंड ओला गिरी है ना जो इन बढ़िया ना बढ़िया ही रखा था बढ़िया उस टाइम पे भाई तैयारी भी बढ़िया थी चल रहा था या पेपर क्लियर हो गया सिलेक्शन हो गया था आगे बढ़ने की भी वो ना रही थी भाई लागे लागे भी सही सही वो भाई पढ़ाई जब हुआ जब बाहरी वातावरण ठीक रहा ना जब दिमाग शांत हो जब हुआ पढ़ाई और फिर दिमाग में न्यू भी आंदा होगा भाई हो रहा काम भी के पढ़ने अर के मऊ तंग हो रही हो यही बात है भाई घर में भी को कमाना अलग होने सा मेरे ऊपर आज भी घर कहने दे गरीब यह है भाई इससे का सारा जो देखो सरकार के वो भाई जा रहे हैं बालक भी मिल लेने गणी दी आनोली यार कोट बावांगी आवेंगे भाई तो आ बाव भाई बाट देख लाग रहे हूं कई आनोली चलो भाई 16-18 दिन हो लिया है धरना दे रहे भाई पंचकूला में अरे एक हफ्ते तो भाई ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हॉस्पिटल में भी जावा है बच्चों हालत खराब हो रही थी भाई इनकी भी बहुत हिम्मत है भाई ये जो बैठे तो समझ जाएगा भाई कितना किस किस पे के बीत रहे भाई बहुत बुरा काम हो रहा है भाई समझ देखो मैं भी इस नियत से वीडियो बनाऊं थारी सिचुएशन की के भाई जो आम पब्लिक है ना 1.5 लाख जो और भी जुड़े उनने भी बेरा लागे नू नहीं 6600 सब ने बेरा लागे भाई थमने बहुत सही हाँ भाई पोटा ना ना मेरा तो काम है यार सही वाली बात नहीं पर जो सीटी वाले बालक उनने भी नू बेरा लागे भाई तुम एक बलि कटोगे तो उनका भी रास्ता साफ होगा सब ने इस पर करना चाहिए जब चलो ठीक भाई लियो भाई एक ही और है अच्छा पहलवान अलग लाल गलूरे बना रहा है पर सिचुएशन खराब हो रही है कौन सा गांव है बाछोद महेंद्रगढ़ आर्मी सिटी के माहौल है भाई माहौल खराब है भाई वार्ड देख देख के बुरा हाल हो लिया 2013 में थोड़ा तेज बोल 2013 का मैं भाई तैयारी करने लगे थे ओए 2013 के बाद अब 2022 होली भाई या एक पहली भर्ती ऐसा हुआ था जिसका फाइनल हो गया था पहली भर्ती थी या तेरी 13 के बाद इसमें ही फाइनल हुआ था नहीं लेकिन फाइनल में दिल्ली पुलिस में भी रह लिए दो बार भाई अच्छा रहा भी रह लिए हरियाणा पुलिस एसआई वाले में भी रह लिए थोड़ा तेज बोल अब की बार होया था भाई अब की बार अब भाई सरकार ने लटका दिए अब भाई पार्टी देख रहे हैं पूरे 8 दिन हो गए भाई पूरे पड़े हैं आठ क्या मैं बहुत से 18 दिन हो लिए भूखे बैठे जो अच्छा तन 8 दिन हो गया है वो तेरी है भाई कह रहे भाई भूख हड़ताल पे बैठे थे उनका भी भाई चाड़ा हो रहा है कमाल कर रहे हैं भूख हड़ताल पे बैठना बहुत बड़ी बात है भाई बैठाई दी है वो मेंटली हैरेसमेंट बैठाएगी इन भाई मेंटली हैरेसमेंट की बात ऐसी है भाई जो भी सिलेक्टेड है ना भाई सबका बुरा हाल है उनका भी उनका घर का भी 6600 परिवार तंग है और उनके साथ भाई 6600 परिवार में मातम पर का माहौल हो रहा है एक आधे होंगे जिनका भाई बहुत बड़ी यार ना तो नौकरी तो सब बनती है यार फार्म में वो भरा है जो जरूरतमंद है भाई अब देखो सरकार से भैया रिक्वेस्ट है कि भाई जल्दी ही जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए भाई बालक बाट देख देख के बुरा हाल हो लिया भाई सबका कोई भी ऐसा बंदा कौन है जो मेंटली डिप्रेस में ना आया है भाई सब भी डिप्रेस दाऊं भाई घना बुंडाल हो रहा है इंस्टाग्राम के मैसेज ना दिखा सकता मैं थरता है भाई बालक भूखे मरे हैं यार बोले भाई प्राइवेट धंधा प्री ज्वाइनिंग हुई ना बोले बढ़िया बढ़िया कंपनियां में थे प्री ज्वाइनिंग पे काम छोड़ गए वे अकीब तो लग गए अरीब ने भाई मैंने को रिश्तेदारी में बोले बाबू मतलब भाण भाई रिश्तेदार सब पर रुपया मांग लिया बोले कर्जे मांग मांग बैठे हैं
सब कर्जा ले लिया। अब देखो भाई सरकार कैसे के कर रहे हैं, एक तो भाई गए उड़े हैं भाई। हाँ आज मन ने भी लग गया कुछ ना कुछ बढ़िया सुनना ना वर तमाड़ी है, जल्दी ही ज्वाइनिंग होगा थारी। अब ज्वाइनिंग हो जा भाई, सबसे बड़ी बात है अब तो ना पढ़ने का मन करे ना पढ़िया जा भाई, पढ़ाई बात चीज है जो दिमाग में शांति हो जाए तभी कोई सीटी वाला अंक का बालक का नंबर आवेगा। हाँ 5,600 बालक है ये निकलेंगे तो भाई और भी 6600 आएंगे, हर 6600 टॉप के बालक है सारे बालक ये सीटी में, इनका पाक होने लगने देने आएगा भाई। वो तो है तो समझना चाहिए ये सब ने, गवर्नमेंट अगर ज्वाइनिंग दे दे है तो और भी बालका ने मौका मिलेगा नए बालका ने। चलो भाई ठीक है, ओके भाई हो बना बात थारी।